सीतामढ़ी जिले के रून्नीसैदपुर प्रखंड के रक्सिया घाट के शनिवार को करीब 2 बजे बागमती की उपधारा में एक नाव के पलट से नाव पर सवार एक युवक के लापता हो जाने की सूचना है। बताया गया कि नाव पर नाविक के अलावा 7 लोग सवार थे, जिसमें नाव पर सवार नाविक व अन्य 6 लोग ग्रामीणों के सहयोग से स्वयं तैरकर नदी से सही सलामत बाहर निकलने में सफल रहे। SDRF की टीम ने लापता युवक के शव को 20 घंटे बाद नदी के किनारे से बरामद किया। मृतक युवक की पहचान रक्सिया गांव निवासी मोहम्मद शाकिर के दामाद व बेलसर निवासी मोहम्मद रशीद के पुत्र अनवरुल के रूप में की गई है। नाव पर 4 साइकिल भी लदा था, इसी बीच नाव पलट गई। नाव पर सवार लोगों में मोहम्मद ताज आलम, नंदलाल चौधरी, मोहम्मद हासिम, मोहम्मद रहमान, हरिशंकर साह, कबीर नदाफ के अलावा नाव के नाविक विश्वनाथ साह के पुत्र सुशील साह शामिल थे। ग्रामीणों के द्वारा घटना की जानकारी स्थानीय प्रशासन को दी गई। जानकारी मिलते ही BDO धनंजय कुमार, CO अश्विनी कुमार व थानाध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद सिंह घटना स्थल पर पहुंचे। घटना की जानकारी SDRF की टीम को दी गई। जानकारी मिलते ही जदयू राज्य परिषद सदस्य पंकज कुमार मिश्रा, भाजपा मंडल अध्यक्ष शशि रंजन व जिला पार्षद रूबी कुमार के प्रतिनिधि ओम भारती घटना स्थल पर पहुंचे। पंकज मिश्रा ने DM को फोन पर घटना से अवगत कराते हुए सरकारी नाव की व्यवस्था करने की मांग की। बताया कि DM ने 24 घंटे के भीतर सरकारी नाव की व्यवस्था कराने का आश्वासन दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार सरकारी नाव की व्यवस्था नहीं होने के कारण स्थानीय मुखिया द्वारा ग्रामीणों के सहयोग से नदी पार करने के लिए 18 के चदरे की नाव खरीदारी पिछले वर्ष की गई। भारी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने डूबे नाव व 4 साइकिल को नदी से निकाला। यह है रून्नीसैदपुर दक्षिणी पंचायत है, जहाँ की रक्सिया जाने वाली जो रक्सिया गांव जो है, जिसमें बागमती नदी की उपधारा जाती है, उसी गांव से गुजरती है। इस बांध के भीतर ना जाने इसमें लमसम 10 से 15 हज़ार की आबादी है। चाचा हमारे तो उसमें यही की है, तो आज तक न ही आज़ादी के बाद तक आज तक न इस पर पुलिया का कोई निर्माण कार्य कराया गया, और प्रत्येक साल यहाँ पर हादसा होती है, 1-2 आदमी को जान गंवाना पड़ता है। स्कूल के 3 छात्र, हाँ स्कूल पहले भी विगत 2-3 वर्ष पर पूर्व भी यहाँ पर जो विद्यालय से बच्चे जो आ रहे थे नाव पार करने के दौरान, नाव से नदी पार करने के दौरान डूबकर जिनकी मौत हुई थी। तो हम बिहार सरकार के माननीय मुखिया से भी हम आग्रह किए थे विगत 1 माह पूर्व कि यहाँ पर कम से कम ये जो मानसून आने से पहले जिस समय की बांध की मरम्मती हो, और साथ में रक्सिया जाने वाली जो बागमती नदी की उपधारा है यहाँ पर पुल का निर्माण कार्य कराया जाए। अभी क्या आज तक नहीं कराया गया इस पर, न पुल का ही निर्माण कार्य कराया गया और न ही कोई सरकारी नाव का व्यवस्था किया गया। तो मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ का नाव की व्यवस्था की जाए कि लोगों को आने जाने में सुविधा प्रदान हो, और जो आज जो एक जो व्यक्ति हमारे लापता हुए हैं उनको यथाशीघ्र मैंने प्रशासन उसकी खोजबीन ऐसे जारी कर दी हुई है, खोजबीन करने के बाद उचित सहायता जो राशि जो मिलती है सरकार के द्वारा उसे उपलब्ध कराया जाए। ओम भारती, रून्नीसैदपुर जिला प्रशासन। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।